29 मार्च को इंटरनेशनल लायंस क्लब सामने ने मातोश्री वृद्धा आश्रम अदासा में वृद्धाश्रम वासियों हेतु स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। लायंस क्लब सावने द्वारा कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर छत्रपति मनापुरे ने रक्त शर्करा, ईसीजी, रक्तचाप, अस्थमा, लोह परीक्षण, एनीमिया, शरीर में दर्द आदि के साथ 60 से अधिक रोगियों का परीक्षण और निदान किया, तो वहीं कार्यक्रम के प्रभारी नेत्र रोग विशेषज्ञ रुकेश मुसले ने सभी बुजुर्गों की आंखों की जांच की और पाया कि 30 से अधिक रोगियों को चश्मे, मोतियाबिंद, काजबिंदु से पीड़ित पाए गए, जिन्हें आगे इलाज की जरूरत है। शिविर में जरूरतमंद बुजुर्ग मरीजों को लायंस क्लब सावनेर के माध्यम से दवाई और चश्मों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बुजुर्गों को आने वाली गर्मियों में स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में चिकित्सा मार्गदर्शन भी किया गया। लायंस क्लब के अध्यक्ष अभिषेक मुलमुले ने अपने प्रस्ताव में कहा कि क्लब भविष्य में भी वृद्धाश्रम को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करता रहेगा। कार्यक्रम का सफल संचालन लायंस क्लब सावनेर के उपाध्यक्ष डॉक्टर शिवम पुण्यानी ने तो चार्टर्ड अध्यक्ष वत्सल बंगारे ने आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि मातोश्री वृद्धाश्रम अदासा को क्लब द्वारा भविष्य में भी इसी तरह का सहयोग दिया जाएगा। इस शिविर में लायंस क्लब की प्रदेश अध्यक्ष अवनिकांत वर्मा, अनीता वर्मा और जोन अध्यक्ष डॉक्टर अविन बटले ने सभी लायंस सदस्यों ने समुदाय की सेवा के लिए अपने व्यस्त व्यावसायिक कामों से समय निकालने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए क्लब के कोषाध्यक्ष मनोज कुमार खंगारे, उपाध्यक्ष किशोर सावल, अन्वेषा मुलमुले, पीयूष जिंजुवाड़िया, हितेश ठक्कर, प्रवीण टोपे, लायंस के सभी सदस्यों और मातोश्री वृद्धाश्रम के प्रबंधक प्रदीप चंदन बाटवे आदि ने कड़ी मेहनत की। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।